अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सज्जाद जानी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम छेड़ो शायरी। छेड़ो शायरी से मुराद यानी कि एक शायरी का प्रोग्राम है, और अक्सर शायरी के प्रोग्राम्स जो होते हैं उनका नेम होता है शेर व शायरी। तो हम थोड़ा सा पैरोडी करते हैं, थोड़ा सा फ़न करते हैं, बीच में अच्छे शेर भी सुनाएंगे, बीच में फ़नी भी सुनाएंगे। तो हमने इसका नाम रखा छेड़ो शायरी, शेर व शायरी से छेड़ो शायरी, यानी शायरी को छेड़ो। यस नाज़रीन, और हम आपको सेट दिखाएंगे क्योंकि आप लोग बहुत पसंद करते हैं हमारा शायरी वाला प्रोग्राम। बहुत से लोगों की फरमाइश थी के जानी भाई शायरी वाला प्रोग्राम, शायरी वाला प्रोग्राम। तो अभी हम एक ट्रायल बेस, ट्रायल से मुराद ये कि एक डेमो या एक फर्स्ट शो आपसे इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। दोस्तों की भी सेट भी आप देखिएगा और हमें बताइएगा कैसा लगा। तो चलें अपने मुकम्मल सेट पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं मेरे साथ साथ कौन से हैं लोग बैठे, कौन से शोरा हजरात जो है मेरे साथ बैठे हैं, और फिर हम सब गप्पे लगाते हैं और आपको पूरा सेट दिखाते हैं। देखिएगा 1 2 3 4 आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है कितना कैसा कैसा नाज़रीन, मजा आया? देखा, ये आप देखे हमने जितना कर, ये पर्दे वो ही हैं, ये मेरे लकी पर्दे हैं, जैसे लकी नंबर होता है ना, ये मेरे लकी पर्दे हैं, ये मेरे बैग पे रहते हैं, हम कहीं ना कहीं इसको लगा के रखते हैं। मेरे साथ छेड़ो शायरी में जो आज चार शोरा इकराम हैं, उनमें जो मेरे इधर दाई साइड पे बैठे हैं जनाब अब्बास देहलवी, क्या कहने, और उनके साथ तशरीफ फरमा है फैसल रामे बंदकशी, क्या बात, क्या, और मेरे बाएं हाथ इधर जो है फरीद पस्तूनी, और मेरे जो बाएं हाथ थोड़ा लागे हैं ये है दानिश गिरदापुरी, और मैं सजाद जानी, आपको पता है अगर आप पे गिरा ना गुजरे तो मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ। जी 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 जी, मुशायरे के तमाल पानी है तुसी लाल रंग दा, सॉरी इस किस्म की गुफ्तगु। अच्छा, अभी ये क्योंकि अभी पहला ना, इनको अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊंगा कि ये सेट के हिसाब से मुशायरा करना है। देखें नाज़रीन, इधर आप चेक करें, और फरीद साहब जो हैं हमारे, फरीद साहब ने कुछ सेट पे लिखा है, मैंने कहा फरीद साहब आप जरा बताएं कि सेट पे आपको क्या रिमार्क्स हैं। तो फरीद साहब ने कहा कि मैं छेड़ो शायरी में बैठ के सबके सामने अपने शेर के अंदाज में मैं सेट के जो भी मुझे अच्छा बुरा लग रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले दावा देता हूं कि फरीद साहब, सब आपने जो ये सारा देखा है सिलसिला, इसमें जरा अपनी वो शायरी में बताएं कि आपको ये कैसा लगा, फिर बाकियों से पूछते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और आदाब अर्ज है, आपने जो हमें यहाँ पे अतलस चरखे खुबीदा बाहम किया, तो आपके ये जो सेट में जो गुलिस्तान है, जो शबिस्तान है, चमकते हुए सितारे हैं, दमकती हुई लाइटें हैं, ये गुस्तान है, और इसमें वो चमन जेब तन है, ये कालीने मुसफर, क्या कहें, और उसमें आपने जो शगुफ्ता नमी डाली है किस कदर खूबसूरत है, क्या शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये फरीद अपनी अपनी मिसाल आप हैं, बहुत शुक्रिया फरीद, जिस मुशायरे में बैठेगा फरीद तहस नहस फरमा देगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा तो आप वो सुनाइएगा जरा, मैं आपको अपना कलाम का आगाज करता हूं। एक मिनट में, उससे पहले जरा एक एक लाइन सबसे, आप एक लाइन में कुछ थोड़ा जरा बताएं। ये जो आपने रंगे खाबीदा दीवारों पर जेबे तन कर दिया है, ये हल्की सी मध्यम रोशनी, ये खूबरू चेहरे और ये खूबरू कालीन शगुफे मोमबत्तियां, क्या नजाकत भरा। अरे क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। अच्छा जी, इन्होंने भी पिका कर देना वेखण जी। नाज़रीन, अब अब्बास आप भी कुछ ऐसे ही शायराना अंदाज में कुछ थोड़ा सा सेट के मुताबिक। जी 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 जी, बहुत अच्छा मजमूआ है, खासे उल्फत है ये शायरी का मजमूआ इधर पेश करेंगे। हाँ। आपका आंगन रुजू बहुत कुम तर्स है, बारे बारे क्या कहने, क्या कहने बस, क्या कहने, वाह वाह। अभी आखिर में हमारे सबसे आप सबके लाडले फैसल साहब जो है, आप फैसल भाई, आप क्या कहना पसंद करेंगे सेट के बारे में? किबला मोहतरम, पहले मैं कहता हूं शमा को बुझा दें। नहीं, ये बुझेगी नहीं, ये देखिए आप बुझाएं, नहीं ये नहीं बुझेगी।
मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत खूबसूरत गुलदस्ता बनाया है मेरे उस्ताद मोहतरम ने। शनिए यार की, हमदानी की, पैरोबर की लाइटें बहुत प्यारी हैं। वारे वारे वारे। मैं जल्दी ताड़ी मरवाती नहीं तो काम खराब होने लगे। नाज़रीन, अभी हम फरीद भाई से जो इन्होंने शायरी में लिखा है वो कुछ सुनेंगे। आपने नीचे कमेंट्स में बताना है आपको क्या फर्क लग रहा है। हम सिर्फ पांड नहीं है, हम अदबी भी हैं। क्या बात है। हम लखनऊ को भी जानते हैं। क्या बात। हम दिल्ली के भी बाशिंदे नासिर मोहतरम हैं। हम हैं मताए कूचा ओ यार की तरह। हम हैं मताए कूचा ओ यार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। क्या बात है, क्या बात है। मुशायरे की जो सदारत होती है ये यूं ही नहीं होती। आपके अंदर बहुत सारे शायर समोए होते हैं, फिर आप एक अच्छी सदारत और मेजबानी मुशायरे की कर सकते हैं। समझ रहे बात को। सानी नहीं रखते इस काम। यस यस। एक अर्ज करूं अगर। जी आप वो सुनाइए। नहीं, इससे पहले एक गिरान गुजरे था। जी 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 जी। ये आपने लाल परना पहना टोला आनंद नाल भी जानते हैं आप। अच्छा तो मैं अपना आगाज टी टाइम वाली कोई हरकत इतने हुई मैं सीधी चंड मारनी। ठीक है किबले मुहतरम, मैं जाम पीना चाहता हूँ। देखो मैं चाह रहा हूँ ये मुशायरा हम पंजाबी तो करते हैं, ठीक है ना, पंजाबी में हम पंजाबी, आई लव पंजाबी, मैं खुद पंजाबी का प्रमोटर हूँ, मैं पंजाबी प्रमोट करता हूँ, पंजाबी मेरी जिंदगी है, पंजाबी लैंग्वेज मेरा मान है, मेरा गुरूर है। लेकिन क्योंकि ऑडियंस, हम बैठे हैं मार्केट में। क्या बात। मार्केट में पाकिस्तान में कराची भी है, सिंध भी है, इंडिया में बॉम्बे भी है, दिल्ली भी है, लखनऊ भी है, हो सकता है वहां से कोई देखे प्रोग्राम हमारा। जी, जी, तो यार उसको भी समझ आए। तो मैं तो उर्दू ही बोलूंगा भैया, आप लोग पंजाबी बीच बीच में बोल सकते हैं। क्या बात। लेकिन क्योंकि मुशायरा है तो मुशायरा उर्दू में करेंगे, टी टाइम पंजाबी में करेंगे, बीच बीच में हम अपना चीकू पापा कर लिया करेंगे, नो प्रॉब्लम। जैसे आपका हुक्म ना सदर। आप वो सुना दे प्लीज। जी सदर महफिल, मैं आपको सबसे पहले उर्दू कलाम से आगाज महफिल करना चाहता हूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उर्दू कलाम का कता पेश कर रहा हूँ। कता। हाँ। तो अर्ज किया है कि इश्क में लंबी तान के सोए रहते हैं। क्या कहने, इश्क में लंबी तान के सोए रहते हैं, माशूका की मान के सोए रहते हैं। माशूका की मान के, यानी माशूका कहती होगी कि सो जाए। हाँ। तो माशूका की मान के सोए रहते हैं। इश्क में लंबी तान के सोए रहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। माशूका की मान के सोए रहते हैं, सोते हैं जब आ जाए मेहमान कोई। अरे वाह। सोते हैं जब आ जाए मेहमान कोई, हम भी हमें जान के सोए रहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, क्या बात है। और सरदर्द महफिल, मैं अगला जो शेर है मैं वो आपकी नजर कर रहा हूँ। वो जो मैंने कहा था कि सेट के बारे में आपने लिखा है वो तो किबला थोड़ा। जी वही, क्योंकि आपने कहा था कि मैं सेट की जो भी देखूंगा हालात मैं अपनी शायरी में बयान करूंगा। जी वन नरमो नाजुक के बारे में बात कीजिए। जी मैं आखिरी उर्दू का शेर पेश करके तो सेट के बारे में कहने लगा हूँ। जी मेरा अपना सेट है, मैं जो मर्जी करूँ। जी जी, मेरा सेट मेरी मर्जी। जी जी, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे। वाह। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं तुमसे, कश्ती वहां कैसे डूब सकती है जहां पानी कम था। लॉजिकल शायर, क्या बात। बाहुबली, बाहुबली, वाह वाह वाह, क्या कहने। शुक्रिया जनाबे सदर। और मैं आना वा अपनी पंजाबी शायरी वाल। जी जी, जेडी साडी मां बोली। जी जी बिल्कुल। और इस सेट दे बारे च मैं खराज तहसीन तुहानू पेश करदा। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, जींदे वसदे रहो जी, बहुत शुक्रिया। जी जी जी, के सुनिया ए ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਸੈੱਟ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ। क्या कह रहे नाज़रीन, सुने ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਸੈੱਟ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਮੰਗਾਏ ਨੇ। ਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਮੰਗਾਏ ਨੇ, ਸੈੱਟ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮਰਾਸੀ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੀਰ ਬਾਈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, आपने हकीकत यार। तू वेजु उस्ताद भी कहने ओ शेख, मैं मुगल उस्ताद जी भी कहियां। बत्तियां भी महंगीयां ते फुल भी मंगाए ने, सेट उते सोणिया मरासी क्यों बिठाए ने, ते खब्बे हत्थ वेखो तुसी बांके मियां भाया है,
ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੈੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਾਇਆ ਵਾਹ 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 ਕੀ ਕਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੈੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਹਾ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜੇ ਗਲੀਆਂ ਚ ਮੰਗਦੇ ਆਹਾ ਵਾਹ 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 ਗਲੀਆਂ ਚ ਮੰਗਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਇਆ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਸੈੱਟ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸਭ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਫਰੀਦ ਜਹਾਂ ਪੇ ਫਰੀਦ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਪਛਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪਕੀ ਜੁੱਤੀ ਆਪਕੀ ਜੁੱਤੀ ਕਾ ਸਦਕਾ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸਭ ਲਾਈਆਂ ਨੇ 36 ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਜਾਲੀਆਂ ਰੰਗ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਤੀ ਹੈ ਟੈਂਪੋ 1 2 3 4 ਅੱਛਾ ਵਜ਼ਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਟੈਂਪੋ ਮੇ ਛੱਤੀ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀਆਂ ਰੰਗ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਵੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਜਵੇਦ ਲਾਇਆ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਸਤਾਦ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੈੱਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਕਰੋ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦੀਦ ਕਰੋ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦੀਦ ਕਰੋ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦੀਦ ਤੇ ਸ਼ੇਖਾ ਕੋਲੋਂ ਭਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਮਝ ਸੇ ਬਾਲਾ ਤਰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਮੈਂ ਜਾਨੇ ਜਾਨੇ ਗਜ਼ਲ ਥਾ ਇਹ ਕਰੋ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦੀਦ ਤੇ ਸ਼ੇਖਾ ਕੋਲੋਂ ਭਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਫੁੱਲੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਪਾ ਵੀ ਪਕਾਇਆ ਸ਼ਿਕਮ ਫੁੱਲੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਨਾਲੇ ਪੱਪਾ ਵੀ ਪਕਾਇਆ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਸੈੱਟ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਜ ਤੇ ਨਵੀਦ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਕੀ ਬਾਤ ਵਾਹ ਵਾਹ हमने अपने कैमरामैन बिल्कुल बिल्कुल को भी याद रखा बनता है बनता है शराब ते नवीद ने कैमरे भी लाए ने वकास अब्दुल्ला ने ते फुल बूटे पाए ने वाह क्या बात है हां हां ਸ਼ਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਵੀਦ ਨੇ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਵਕਾਸ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਪਾਏ ਨੇ ਛੱਪ ਗਿਆ ਹੱਥ ਜਿੱਥੇ ਇਮਲੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿਆ ਬਾਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਸਦਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਛੱਪ ਗਿਆ ਹੱਥ ਜਿੱਥੇ ਇਮਲੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਸੈੱਟ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਰਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਏ ਨੇ ਵੇਖਦੇ ਰੱਬਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਸਦੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਏ ਨੇ ਤੱਕਦੇ ਰੱਬਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਸਦੇ ਜਾਨੀ ਟੀਮ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ ਜਾਨੀ ਟੀਮ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਸੈੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸਕੀ ਕਾਪੀ ਗੈਪ ਕਰ ਲੋ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਅਭੀ ਤੋ ਹਮ आज का तो आपने मुशायरा एक मुशायरे की हैसियत से या नजर से नहीं देखना ये एक तारफी है जी जी सबसे पहले आप देखें शलवारे की मीजे माशाल्लाह है ठीक है ये चेंज कर दिया मैंने सब कुछ अभी इनकी वेस्कटें आएंगी हाँ जी हाँ जी वेस्कटें कोट शोट ये वो लवाजमात निजाम कैपे शैपे ये वो सारा कुछ अभी बनेगा खूबसूरत होगा आगाज ਗਰ ਤੁਮ ਸਾਥ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੇ ਆਪ ਸਭ ਲੋਕ ਆਡੀਅੰਸ ਆਪਕੀ ਵੀ ਹੈ ਆਪ ਉਨਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੇ ਉਨਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨੇ ਬੋਲੇ ਔਰ ਉਨਕੋ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟਿਮਕੜੇ ਨੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਇਹ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਆਡੀਅੰਸ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਆ ਦੇਖ
हम सबकी तरफ से आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार। ये आप लोगों की बदौलत हुआ है। आप लोग हमारा मान है, आप लोग हमारी ताकत है, आप लोग हमारा शशो निशास्ता महफिल है, आप लोग हमारा आतिशे ठंडक है, आप लोग हमारी हमारी पसमंदा हालात जिंदगी वाकयात के संगी हैं। आप हमारे क्या बात है यार, उर्दू दानों से माफी मांग ले। ना 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 ना, ना भैया, हम भी लखनऊ के हैं, हमें दिल्ली की भी भाषा आती है। वाह वाह, ठीक है। आप सबकी खंदा पेशानी की वजह से ही ये सब मुमकिनात में से हुआ है। अभी दावत देते हैं। अच्छा, आप अब्बास जी, जी आपने कुछ लिखा है आज के लिए स्पेशल कुछ? जी, मैं थोड़ा काम में बिजी था, कुछ शार मैंने शार लिखे। किस टॉपिक पे आपने लिखे हैं? मशूका की टॉपिक। अच्छा, आपने अपनी गर्लफ्रेंड जो गर्लफ्रेंड जी आज सुन लिया जाए अगर आपकी जी 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 ज्यादा जी है जिसके गम में मुझे टीवी है जिसके गम में मुझे टीवी टीवी अब वो किसी और की है बीवी। वाह, जिसके गम में मुझे टीवी अब वो किसी और की है बीवी। आप किबला आप जरा गहराई में जाए शेर। बहुत खूब बहुत खूब। अब जिसके गम में है मुझे टीवी अब वो किसी और की है बीवी। कराता रहा जिसे मैं शॉपिंग। वाह वाह, कराता रहा जिसे मैं शॉपिंग बिक गया है मेरे घर का टीवी। वाह वाह वाह, अब वो किसी और की है बीवी। वाह क्या वाह क्या वाह। फिरता रहा बचपन में मैं जिसके पीछे आवारा। ओहो वाह वाह वाह, फिरता रहा बचपन में मैं जिसके पीछे आवारा आवारा अब मेरे पास ना कोई है डिग्री और ना कोई सीवी वो किसी और की बीवी। वाह वाह वाह, क्या उम्दा बात। अब वो किसी और की है बीवी, और की है। वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। पहले तो उसका अब्बा माल खाता रहा मुझसे। वाह, पहले तो उसका अब्बा माल खाता रहा मुझसे मुझसे जब मैंने मांगा उससे रिश्ता तो कह दिया उसने तेरी औकात है नीवी। ओहो, अब वो किसी और की है बीवी। क्या बात क्या। पकड़ कर गिरेबान उसकी माँ ने मुझसे कहा वो तेरी मशूक ही नहीं मेरी दी भी है अब वो किसी और की है बीवी। कर ली है अब इश्क से मैंने तौबा। वाह वाह वाह, कर ली है इश्क से मैंने अब तौबा लगा ली है एक फल की रेड़ी। वाह वाह, साथ में है केला सेब और आम आरू और कीवी। वाह, अब वो किसी और की है बीवी। अरे क्या क्या बात, क्या कहने क्या कहने क्या कहने। वैसे इन्होंने जापानी फल नाशपाती और दो तीन विस्की है। नहीं नहीं, वो कोई नहीं, वो कोई बात नहीं, खैर है। वाह वाह अब्बास भाई, ये आप ये काफी लगता है आप मेहनत की है आपने। बहुत मेहनत की है। हाँ, सारी रात मैं सोया रहा और सुबह मैंने ये अपनी शायरी लिख ली। कितनी देर में? आधे घंटे में। कैसी लगी आपको बोला? यार क्या बात बताए, क्या बात है, अपने अशार लाऊंगा नहीं। हाँ नहीं नहीं, लेके नहीं, बड़ा अच्छा था बीवी जी। अब हम जनाब आप कुछ अपना कुछ चंद अशार। जी 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 जरूर। मैं वक्त मुख्तसर है, मैंने जाना टूबे, जरा काम है। बस इख्तसार के साथ चंद अशार पेश करूंगा। जी जी जनाब सदर, इजाजत है। जी जी, अर्ज किया है। करार हो जिसमें ऐसा कोई जमाना ना मिला। वाह वाह, करार हो जिसमें, करार हो जिसमें ऐसा कोई जमाना ना मिला। दर्ज जिसका नाम दिल पे था वो जनाना ना मिला। जनाना ना मिला। वारे क्या वारे क्या वारे क्या कहें। वाह यार तामुल फौजी। मैं दरअसल शायर नहीं कारीगर हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं लफ्जों को तरतीब नहीं देता। हाँ,
मैं उनको पैरहन पहनाता हूँ, बेलबास लफ्जों को पैरहन बनाता हूँ। अच्छा उर्दू तो डेर चीज की है, बड़ा अच्छा जो पानी लीक कर दिया था। देखिए ये हमारे जो लखनऊ शहर का पानी करें मोहतरम, मोहतरम पता क्या बात है जी जी, आप उर्दू जितनी नजाकत से बोल रहे हैं ना वो ठीक है, लेकिन ये टिश्यू देना, ये बड़ाछों में से पानी भी आप साफ कर, पता क्या मेरा जी काल आ रहा है सर, मैं ये आप साफ कर ले, मेरा ना जी काल आ रहा है। आप लोग ये समझ नहीं रहे, बस ठीक है, ये टिश्यू पेपर फेंक दे कहीं हाथ ना लग जाए। मेरा ताल्लुक जो है वो लखनऊ से है, बस आपका मुझे लगता है कि तो लखनऊ से है, ये मुकर्रर मुकर्रर लखनऊ से ताल्लुक होने की वजह से वहाँ का पानी जो है ना वो नमकीन है। हाँ हाँ। तो वो मुंह में जाग बन जाता है। हाँ, नहीं अक्सर वो आपको मालक साज भी जब पहनाता ना इधर, तो वो एक लोहे की भी आपके इधर फंसती है, उसकी वजह से भी हो गया जी। मैं कभी इस तरह की महफिल शायर होता तो गजल कहता, जनाबे सदर आपके नाम जी शेर है जी, फकरार हो जिसमें ऐसा कोई जमाना ना मिला। ये तुसी अगे कहता, आपने दरमियान में मुझे टोक दिया अब शुरू से। ओए बोले कोई ना होना है मुकर दियो। करार हो जिसमें ऐसा कोई जमाना ना मिला, दर्ज जिसका नाम दिल पे था वो जनाना ना मिला, मिल गया जायदाद से हिस्सा सभी भाइयों को। आहा, मिल गया जायदाद से हिस्सा सभी भाइयों को, मैं आवारा था मुझे एक आना ना मिला। क्या दर्द है लफ्जों में, क्या बात है। अच्छा आप नंगा मुंह लेके ही आ गए हैं उत्ते चढ़ाने के लिए, पूरे रास्ते में कोई पकाना ना मिला। भाई आप मुझे क्या कह के लेके, नहीं नहीं आप पढ़िए, मैं जनाबे सदर रो पैंदा हुंदा जी। अच्छा अश्क बारिश, उन्हें मैंने की धमकी दी, अश्क बारिश शुरू कर दूंगा यहाँ पे मैं। अच्छा एक गोला बारी हुंदी है अश्क बारी, देखिए वो ये होते हैं शायर गुस्से के पूरे सूवर। मैं यहाँ से अखराज कर जाऊंगा। क्या कर दूंगा, अखराज। अच्छा एग्जिट, एग्जिट ओके ओके, आप लिहाजा जी जी प्लीज। अच्छा एक मिनट, आप ये पता कि आपके ये जो है ना टाउन एरिया, इसके साथ ये लग रहा है तो वो कड़कड़ की मेरा ख्याल आवाज, इसका मरकज तब्दील कर। हाँ मरकज क्योंकि दानिश हम जो है ना आज हमारा तारफी प्रोग्राम है, तारफी हो या तवालमी, हाँ हम बरगुजीदा शायर के रूप में यहाँ पर मौजूद है। ओहो ये होता है कि जिस करैक्टर ने अपने, जिस बंदे ने, आर्टिस्ट ने अपने ऊपर करैक्टर तारी कर लिया है जी, और तारी लाभ ही होनी जी। खोदा 1000 फुट से भी ज्यादा नक्शे के मुताबिक चूहा। जनाबे सदर फिर और मीनू बुला ले यार ना करो। अच्छा खोदा 1000 फुट निकला पहाड़ फुट, कब तक शम्मा जलती रहेगी, हमें क्यों आप हमारे तैरहन को नुमाया करना चाहते। अच्छा भी अभी कोई बात ना करें ठीक है, चलिए इस तरह तातुल का शिकार हो जाता जी। आप इरशाद, खोदा 1000 फुट से ज्यादा नक्शा। यार अच्छा सुन ले, हुन खोदा ही लेके ले आया। सदरे महफिल ना करो दंदी बढ़ नहीं नहीं पता है ये किसी मजदूर को बुला दिया। देखिए अपने दंदान, भाई आप इसमें आगे जाए ना, ये खोदा उसको फाड़े खोदा को, मैं सुन लिया, अपने दंदान से आपके जिस्मान पे नक्शो निगार बना दूंगा इनको बताने। ओके ओके सॉरी चले। खोदा 1000 फुट से ज्यादा नक्शों के मुताबिक, हाँ डड्डू निकल आए लेकिन कोई खजाना ना मिला। जिसका नाम डड्डू, मतलब मेंढकुन। अच्छा मैं क्या, वो जो अमिताभ वाली फिल्म है डड्डू तुम, वो वाला नहीं, वो नहीं। अच्छा करवाना था जम दम, करवाना था जम दम, करवाना था दम, करवाना था दम जिससे पीले जरकान का। हाँ हाँ करवाना था दम जिससे येलो पीले जरकान का जी, करवाना था दम जिससे पीले जरकान का, खज्जल होता रहा मैं मुझे उसका आस्ताना ना मिला। वाह वाह वाह, दर्ज जिसका नाम दिल पे था वो जनाना ना मिला। वाह वाह वाह, एक शेर आपके नजर करूंगा जी जी, आखिरी नहीं ये एक और मुकदमा है। ओके इसका इंतसाब मैं आपके नाम करूंगा जी जी जी। हाथ उठाया मैंने मगर बदतमीजी के बाद, वाह हाथ उठाया मैंने मगर बदतमीजी के बाद, वो इस कदर हैरान मेरी तरतीबों पे था। ओहो हो वाह वाह,
वाह वाह। मांगा किया जिससे भी वो कामयाब रहा। मांगा किया मतलब? मांगा किया जिसने भी, जिससे भी, जिससे भी यानी मंगया। हाँ, ओके। वो कामयाब रहा, वो कामयाब रहा। मान उसको अपनी तरकीबों पे था। वाह 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 वाह। नहीं नहीं उठो ले, एडी छेती नहीं सौंदा ना मैं। हम अपना कलाम बंद किए देते हैं। नहीं यार आप सुनाए बस, बंद कर मुझे चेक चटला बंद किए देते हैं ये झाग वाले इल्जाम तराशी। अच्छा देखो, नाखून तराशी करते करते इल्जाम तराशी। देखिए मोहतरम, हमारे पास जो भी आता ना शूरा कराम, वो हमारे लिए बाइसे इज्जत है, बाइसे इफ्तिखार है। हाँ बाइसे, ठीक है। और हम थोड़ा बहुत जो छेड़खानी करते हैं जी, छेड़ो शायरी नाम है इसका, छेड़ो शायरी जी। अब दावत देते हैं फैसल साहब को। फैसल साहब जी सर, कलील वक्त की कलालत की वजह से जो है ना वो, क्योंकि जलेबियाँ भी ठंडी हो रही हैं, बाद में तेरे मेरे प्यार के चर्चे चले। किबला मुख्तसर, किबला मुख्तसर नहीं, किबला मोहतरम है या किस्सा मुख्तसर? किबला मुख्तसर सा शेर कहूँगा। अच्छा किबला मुख्तसर सा शेर, ओके जी जी। बहुत खूबसूरत आपने सेट लगाया जी, काश आप किसी गरीब की मदद कर देते, उसकी जिंदगी बन जानी। वो भी मैं करता हूँ, वो अपना सोच दे। चले चले। गरीबी लड़ती रही ठंडी हवाओं से। अभी मुशायरे का टाइम खत्म हो रहा है और आप अब खुले, क्या बात है, ज्यादती है ये। गरीबी लड़ती रही ठंडी हवाओं से। गरीबी लड़ती रही ठंडी हवाओं से, इसका मतलब पता तुम्हें? नहीं। गरीब के बच्चे हैं, कंबल नहीं है ऊपर, अरजाई नहीं है और कुंगड़ रहे हैं सर्दी में। गरीबी लड़ती रही ठंडी हवाओं से, ये उफ मार दिया फैसल, मार दिया, लूट लिया। गरीबी लड़ती रही ठंडी हवाओं से, अमीरों ने कहा वाह क्या मौसम है। ओए होए होए होए, वाह 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 वाह, क्या कहने। और मेरी गुर्बत ने कर दिया मुझे लाचार। मेरी गुर्बत ने कर दिया, कर दिया मुझे लाचार, पाजी पतीसा मेरा बड़ा मजेदार। अरे क्या कहने, क्या क्या, वाह रे वाह, वाह रे वाह, क्या बात, वाह। मेरी बात सुने आप, सनाबे जदर, जनाबे सदर, ये मुनाफकत नहीं है। नहीं मेरी बात सुने, उसका अपना एक शेर है, उसका अपना रवैया है, अंदाज़ दस्तूरे मोहब्बत में घिरा हुआ है, मैं क्या कर सकता। मैं सर एक अंदाज़े बयां मुख्तलिफ है, मुख्तसर सा एक शेर सुनाऊंगा, पंजाबी का है, पंजाबी का है ये, आप पंजाबी भी सुने जरा। जी जी पंजाबी इरशाद फरमाया। मेरे महबूब का बहुत नुकसान हुआ। ये पंजाबी नहीं है, ये पंजाबी नहीं है, ये कोई और है। मेरे महबूब का बाऊ जो है ये पंजाबी नहीं है। मेरे महबूब का बहुत नुकसान होया। ये पंजाबी है। ओदे सिर दे दो तीन वाल सड़ गए। आह वाह वाह वाह। मेरे महबूब का बाऊ नुकसान होया, ओदे सिर दे दो तीन महबूब वाल सड़ गए। मेरे महबूब का बहुत नुकसान होया, ओदे सिर दे दो तीन वाल सड़ गए। बिल्लू छड़ दे छड़ दे छड़ दे। वाह 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 वाह, क्या बात है। मेरे खिलाफ बहुत बातें हैं उसके दिल में। अरे क्या कह दिया फैसल भैया, क्या कह दिया। मेरे खिलाफ बहुत बातें हैं उसके दिल में, एक गलना दिल बिचो कर दे। बिल्लू छड़ दे छड़ दे छड़ दे। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे, क्या बात है यार। नाज़रीन क्या कहने यार, क्या कहने, आपको मानना पड़ेगा मेरे पास हीरे है, हीरे। बस हूं मैं मंडी खाली लैनी है। तो जी जी, जे तू मैं छड जावे तेरी की मजाल है। बाबा जे तू मैं छड जावे तेरी की मजाल है, लाल है भी लाल है सारी गड्डी लाल है। फैसल भाई मैं वैसे कर्ज करूं, वैसे आपको जो आखिरी शेर है ना आप वो ही कर लें, आखिरी वो जो छड़ दे वो वाला, वो आखिरी कर लें, इसको रहने दें, बस उसके बाद क्या अदायगी उनसे बेहतर लगे। हाँ बिलो शर्दे शर्दे, ठीक है ले जी। ये था इब्तदाई मरहला सवातो सिंधु हालातो मनाजर।
आप ही थे हमारे भी जुस्तजुए काला में भीगे हुए। हम तरसते रहे हैं बूंदों के किनारा कशी में जाके। क्या बात, आपने इतना भी ना पूछा को गमो सोज में क्या है तू। ये हम हमारे जनाब सदर, ये है मैंने कहा कि मुशायरी की सदारत यूं ही नहीं होती। क्या बात है, कुछ तो पर्दादारी है, समझ आ रही। कुछ आपने घोल के पिए हो हजारों शायर, फिर आप एक मुशायरे की मेजबानी कर पाते हैं। क्या बात, समझ आ रही बात, मजा है। हाँ। जानिब है आप इस बात के कहने में। नागरीन अभी हम आपको वो मुंह मीठा करवाते हैं। अब भैया जरा वो जलेबियों वाला देना, थाल लेके आओ भाई जलेबी। हाँ, जलेबियों वाला वो। हाँ ले जी भाईजान, जरा पहले इसको ऐसे ऐसे कर ले थोड़ा, क्योंकि मीठा है ना। यस यस मीठा है। करे 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 मुंह मीठा। बेटा खाली बर्तन ले जाओ। एक ही जनाब सदर, इतनी कसीर मिकदार, खाली बर्तन पकड़ा दो। इतनी कसीर मिकदार में क्यों मंगवा लिया आप? भाई पेट थोड़ी भरना इससे, जलेबियों से कोई पेट तो नहीं भरता। थोड़ा बहुत ते एक हुंदा वा जनाब सदर है केड़ा, तू साडे नाल मजाक करन जनाब सदर। दार ते गिल्ली कराओ, हाथ करो हाथ। इसके लिए भी ऐसे करना, फक्का मारो। आय थकाना च ना पवाना, हाथ करो ऐसे। अरे क्यों वो पड़ना, बस करो बस करो। जनाब सदर कम ही देना, मुझे कम ही दे रहे हैं वो। हमें बहुत सा ट्रैक्टर मेरी चोली चपा दे, बहुत हो गया। हाथ कर, दो में कार डिग जाना। आप वेलो थोड़ी ले, ये ही हुंदी गल बात। क्या बात है उस्ताद जी, ताडे इंसाफ ने। ए तेरी भोला जरा मेरे साथ इत्थो तक आ गई बस। ओके हो, ये होता है एहसास। क्या बात, इनको रज के खिलाओ, खुद थोड़ा खा लो। क्या बात है, ये एहसास है, मालिक हो तो ऐसा। इबला अब तो मंबा एक कंजूसी है, बेइंतहा बेफरावानी है कसम से। देखिए भाई हद ही कर दिया आपने। बात ये है, कब तलक पहुंचेगा ये टुकड़ा है जलेबी शिकम अंदर। हमारे तो अब धुनिए तमाम से शीरा निकल रहा है। बात ये है, मैं अगर आप लोगों का मैं सदारत कर रहा हूं तो ये मेरा फर्ज था कि जब कोई खाने की चीज आए तो पहले आप लोगों को दूं, फिर जो बच जाए वो मैं खा लूं। तो देखें मैंने पकड़ा, में मैंने आप लोगों को वो दिया जो जितना जितना था, जो बच गया वो मैं। अब मैं आपका बचा हुआ खाता हूं, फिर भी मैं अच्छा नहीं हूं। ये आप हिसाब लगाना। क्या बात केवला, ये सेट चेंज करना है। नहीं क्यों, तो फिर जलेबी थोड़ी ज्यादा मंगवा लेनी थी। हाँ बाद में मंगवाएंगे, अभी नाजरीन के कमेंट्स देखते हैं। लीजिए नाजरीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आज के लिए इतना ही, और हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये सेटअप कैसा लगा। और अब यहाँ से हम जो है ना आगाज़ छेड़ो शायरी का करेंगे, प्रोग्राम छेड़ो शायरी। और आपकी मोहब्बतें हमें दरकार हैं, आपकी हमारी रिक्वायरमेंट है, आपका प्यार आपका खलूस, ठीक है। आप हमारे साथ हैं तो हमें कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं। क्या बात है, हमें कोई गम नहीं, कोई हिजान नहीं। हाँ हमारे, आप हाँ, हमारे हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हो चुके, हम आपके हो चुके सनम, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआइयों में याद रखिए, सॉरी दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते एक आखिरी शेर जो कि इस हवाले से है कि सड़कें टूटती रहती हैं, मुसाफिर जाते रहते हैं, जहाज़ उड़ते रहते हैं, ट्रेनें चलती रहती हैं, साइकिल पंचर होते रहते हैं, बाइकों के सलंसर खुलते हैं, प्लग पाने हमारे पास नहीं हैं, हम फिर भी रेसें देते हैं। अल्लाह।